नमस्कार सर, नमस्कार मैं कुमार जी, मेहुल सोलंकी, यू पी इंडस्ट्रीज वडोदरा गुजरात से। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। आजकल YouTube पे इतने सारे वीडियोस चल रहे हैं बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल के, लोग गलत गलत जानकारियाँ इतनी दे देते हैं, मैं उसका भुक्त भोगी हूँ सर। गलत वीडियो देख करके, अच्छी अच्छी बातें उसमें सुन करके मैं चला गया। मैं इतना परेशान हुआ सर कि मशीन भी मैंने महंगी ली और उसके बाद 6 महीने में मुझे मशीनें मिली आधी अधूरी, ठीक है, और 6 महीने में आधी अधूरी मुझे मशीनें मिली, वो भी मशीन का सर्विस नहीं मिला। मैं परेशान होकर के सर अपनी मशीन बेच दिया। लास्ट में मैं थक हार के मैं आपको रोकूंगा सर। मैं आपकी परेशानी मैं समझ गया सर, कहां पर आप फंसे हैं जी। आपने YouTube पर वीडियोस देखे जी, उन्होंने आपको अपनी फैक्ट्रीज दिखाई होंगी जी, यहाँ पर हमारे, हाँ एकदम एकदम सही सर, बिल्कुल। आपने YouTube पर वीडियो देखा लेकिन उसको ध्यान से नहीं देखा जी। आप देखिए, ये जो लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि हमारी फैक्ट्रीज चल रही हैं, हम आपको बताते हैं, हम आपको लाइव प्रोडक्शन दिखाते हैं, दाना कैसे बनता है वो दिखाते हैं सर, वो आपको एक फैक्ट्री में ले गए जहां पर उनकी मशीन नहीं है, किसी और की मशीन चल रही है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके नाम वहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं सर, लेकिन हमको गौर से मशीन देखने ही नहीं दिया गया ना। हमको तो नहीं मालूम कि किस कौन कौन मशीन बनाता है, मैं तो एकदम फ्रेशर था ना यहाँ सर। ये आपकी गलती थी, आप जब उस कंपनी में गए, जब आप उसके ऑफिस में बैठे जहाँ आपको रनिंग मशीन बताई गई, आपको मैन्युफैक्चरिंग, आप मशीन लेने गए थे, कोई फाइनल प्रोडक्ट लेने नहीं गए थे। फाइनल प्रोडक्ट आपको बनाकर मार्केट में देना था, ठीक है सर, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी मैं ये चाहता हूँ कि मैं तो फंसा सर, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मगर मेरे जैसे और लोग ना फंसे उसके लिए आप कुछ करिए सर। आप लोग कुछ करते सर, नहीं हो। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपने वीडियोस देखा, सभी बोलते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। आदमी तो कंफ्यूज हो जाता है सर, क्या करें। मैं यही कहना चाहता हूँ सर आपसे कि आप उस फैक्ट्री में जाइए, एक बार फैक्ट्री में जाइए, वहां पर उसके स्पेयर्स बन रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मार्केट में आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। सबसे पहला जो मैन्युफैक्चरर है, जिसके यहाँ आपको पार्ट्स की इनहाउस फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, वो आपको देखना है। दूसरा मिलेगा आपको असेंबलर, के असेंबलर मानी ये बंदा कि जो मार्केट से स्पेयर्स खरीदता है। जैसे हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे यहाँ स्पेयर्स बनेंगे, स्पेयर्स से लेकर आपको पूरी मशीन की असेंबली वन स्टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा वो बंदा है जो असेंबलर है, जो हमसे स्पेयर्स लेता है और एक स्ट्रक्चर बनाकर उस मशीन की असेंबली करता है। आप अगर असेंबलर के पास जाते हैं तो आपको सर्विस में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि मॉडल वाइज हम चेंज करते रहते हैं, टाइम टू टाइम हमारे स्पेयर्स के डिजाइन जो है वो चेंज होते रहते हैं, तो वो आपको प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाएगा। तीसरा जो बंदा है वो है डीलर, जो हमसे मशीन खरीदता है और अपना नाम लगाकर मार्केट में बेच देता है। ये 3 तरह के लोग हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरर कौन है। आप उनके फैक्ट्री विजिट कीजिए, वहां जाइए, देखिए स्पेयर्स बन रहे हैं, मशीन बन रहे हैं, सब कुछ देखिए एक बार, और उसके बाद डिसीजन लीजिए। क्योंकि जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर है वही एंड तक आपको सर्विस दे पाएगा जी सर। उसके पास, उसने जो डिजाइन बनाया है उसका ड्रॉइंग उसके पास अवेलेबल है, वो असेंबलर के पास भी नहीं रहेगा और रिटेलर के पास भी या डीलर के पास भी नहीं रहेगा। आपको मशीन लेने के बाद तो लोग फोन भी नहीं उठाते, पैसा देने के बाद फोन भी नहीं उठाते, दाने का भी पैसा ले लिए, दाना भी नहीं दिए। आपके यहाँ तो आकर के मेरा सारा प्रॉब्लम सोल्व हो गया सर। इतने सारे तो आपके पास अवार्ड्स रखे हुए, सारे कहाँ के हैं सर? सर ये हम जो बेस्ट सर्विस देते हैं, बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जो एग्जीबिशन हम अटेंड करते हैं, मतलब हम कस्टमर को फेस टू फेस जा रहे हैं, उनके सिटी में, उनके एरिया में मिलने जा रहे हैं। तो सर आप ये बोलना चाहते हो कि मगर हमको मशीन लेना है तो हमको एग्जीबिशन में जाके देखना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, एग्जीबिशन में जाने की जरूरत नहीं है सर। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम कस्टमर से लाइव रहे, कि भाई हम कोई फ्रॉड बंदे नहीं है कि मशीन बेचकर गायब हो जाएंगे। हम हर जगह प्रेजेंट है, आप कोई भी एग्जीबिशन जाइए, हम वहाँ प्रेजेंट। अभी सर मुझे जाना भी है, आप थोड़ा लास्ट में इतना बता दीजिए कि हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या मतलब मेन पहचान है, कौन डीलर है, कौन असली मैन्युफैक्चरर है सर? वो आपको पहचानना है उनके प्रीमाइसिस में जाकर। सर ये आपकी मैं तो अपने हिसाब से लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाइए, एक बार युग इंडस्ट्रीज वडोदरा गुजरात में जरूर आइए, आपकी सारी गलत फहमी दूर हो जाएगी। ये मैं मेरे इंड से बोल रहा हूँ। आप एक बार हमारी कंपनी में आइए,
यहाँ सारे स्पेयर से लेकर मशीन तक बनता हुआ देखिए। और सर हम 1975 में यहाँ पर एस्टेब्लिश हुए थे। सर आपकी फैक्ट्री भी इतनी बड़ी है ना, मल्टीनेशनल कंपनी जैसी आपकी कंपनी लगती है, दो दो BMC CNC इतने सारे पार्ट्स बनाने के मशीन, इतने बड़े क्वांटिटी में आप मशीन बनाते हैं, छोटे से लेके बड़े तक हर प्रकार की मशीनें सर, बनाते हैं सर। हमारे पास 25 mm से लेकर 5 ईयर्स तक की मशीन है, जो आपको इन लोगों के पास नहीं मिलेगी जो YouTube के वीडियो के भरोसे। हाँ जी सर, खाली दो ही मशीनें दिखी, एक 40 की एक 35 की। आप यहाँ नीचे वर्कशॉप में जाकर देखिए, एनी टाइम आप देखा सर मैंने आप यहाँ 3 लीयर सारी मशीन रेडी और बनती हुई भी मिलेगी जी। आप एनी टाइम आ सकते हैं सर, ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाते वक्त हमने थोक लगाकर बना दिया और फिर दूसरे दिन सब गायब कर, ऐसा नहीं है सर। आप कभी भी आइए, आपको सारे स्पेयर सारे मशीन बनते हुए दिखेंगे हमारे यहाँ जी सर। वो तो मैंने देखा, और आज एक जगह पर 48 ईयर्स से बैठना जी, ये कंपनी आपकी खुद की है सर? बिल्कुल सर बिल्कुल, बाकी लोगों का तो एक जगह पर बैठकर बिजनेस करना वो बहुत बड़ी। मैं सर दिल्ली गया था, 4-5 लोगों के पास गया था, सबने बोला कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, पर जैसे आपके यहाँ पार्ट्स बनते हैं सभी बोला था। हाँ ये सर ने तो हमने तो हमको तो युग इंडस्ट्रीज वाले ने सर कागज, ये मेरे पार्टनर हैं, हम दोनों पार्टनर हैं, हम दोनों ने पार्टनरिंग किया था, इनका फ्रेंड था सर, हम दोनों लोग बर्बाद हो गए। हम लोग यहाँ किसी को ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग ओनर है सर। आप कभी भी आइए यहाँ, खुद जो ओनर है कंपनी के राकेश सर, वो खुद वर्कशॉप में लगे रहते हैं ताकि मशीन का क्वालिटी मेंटेन रहे। हाँ जी सर, ये वीडियो में दिखाने के लिए सर आप हमें बताए बिना विजिट कीजिए, वो आपको वर्कशॉप में मिलेंगे सर। ओके, हम तो यहाँ सब एक टीम बनाकर काम करते हैं जी सर। वो तो मैंने देखा। अब लास्ट में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ से कि हर कस्टमर को मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप कहीं से भी मशीन लीजिए, सस्ता महंगा कुछ भी लीजिए, लेकिन एक बार युग इंडस्ट्रीज बड़ोदरा गुजरात में जरूर आइए। सर जी आपने मेरा इतना सहयोग दिया उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने जिस तरह से मुझे गाइड किया, जिस तरह से आप लोगों ने मुझे सिखाया, मैं जल्दी ही आपका मशीन लूंगा लगाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा आपके गाइड से। और सर ये वीडियो बनाने का मेन कारण यही है कि मैं लोगों को जागरूक करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपका वीडियो बना रहा हूं कि मेरी तरह मैं जैसे लूट गया बर्बाद हो गया, वैसे और मेरा कोई भाई बर्बाद ना हो। सर हम लोगों ने दिल्ली से मशीन लिया था सर, दिल्ली में सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बताऊंगा कि दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है सर, किसी के खुद की जगह भी नहीं है सर, लोग सब लोग इंडिया के अलग अलग स्टेट में से आके ऑफिस लगा के बैठे हैं, किसी के खुद की फैक्ट्री भी नहीं है, जगह भी नहीं है। हमारी गलती हो गई, जैसे आप हमने आपको पूछा कितने साल पुरानी कंपनी है, तो आपने 1975 बोला, तुरंत कागज निकाल के दे दिया। ये सर आपकी खुद की कंपनी है, कम से कम ये सर 25 करोड़ के ऊपर की कंपनी होगी सर, आपके मन में पाप नहीं, इसके लिए आपने तुरंत कागज दिखा दिया सर। हम लोग यहाँ इतने साल से बैठे हैं, हम इतना बड़ा एम्पायर जो खड़ा किया है हमने, या इतना एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन जो बना है, उसको रातों रात नहीं चला सकते। हमको यही काम करना है और लीगल वे से काम करना है, गलत तरीके से किसी का पैसा हम लेते नहीं है, हम कस्टमर को वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं। मैं चाहता हूँ सर कि आपका वीडियो लंबा ना हो, सिर्फ इतना चाहता हूँ हर एक अपने भाई से कि इस वीडियो को अगर आपको ज़्यादा नॉलेज लेना है तो पूरा देखिए वीडियो, एकदम आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, दिखाया जो भी है हकीकत वो आपको बताया जाएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कहीं भी जाइए, मशीन कहीं से भी लीजिए, एक बार युग इंडस्ट्रीज बड़ोदरा में आइए। थैंक यू सर जी, थैंक यू, धन्यवाद।